नाम तो सुना होगा। तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं डेली ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ, इसलिए जल्दी से फॉलो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सेव कमेंट जो जो होता है सब करके जरूर। तीन है और 15। ओके, तो इसका कंप्लेन है ये कूलिंग नहीं कर रहा है। पहली बार एसी चल ही नहीं रहा था क्योंकि थर्मोस्टेट में आपको डिस्प्ले नहीं आ रहा है। 24 वोल्ट इसमें मौजूद है, 24 वोल्ट जब मौजूद रहे, और इसमें देखिए आप 6.2 है आपका रेटेड एम्पियर दिखाई उनको नेम प्लेट पे, 15.5 यानी 15.5 है। ओके 15.5 है। ओके चेक करते करते ये चला गया ट्रिप में, चेक करते करते ये हो गया ट्रिप है। देखिए ये ट्रिप किया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो आपका 15 है तो लगभग इसका जो एम्पियर लेगा 10 से 12 के बीच में लेगा इस क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन अभी वो 6 ही एम्पियर ले रहा था, यानी कि गैस का प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से वो ट्रिप किया है। गैस का प्रेशर चेक करेंगे क्यों हुआ। ठीक है, ओके। PY90 है, दूसरा एसी, दूसरा वाला। ठीक है, ओके है। देखिए अभी देखिए चालू हो रहा है, इसका एम्पियर आपका रेटेड है ना 15.5 है, 15.5 है, लेकिन 6 ले रहा है, देखिए 6 ले रहा है, यानी कि बहुत कम है। ओके देखिए इसका भी 0 है, ओके 15.5 इसका भी 0 है। ओके नेम प्लेट दिखा, नेम प्लेट दिखा। था लेकिन एक्चुअल 6 ले रहा है, यानी कि मैंने बोला ना देखो, यानी कि ये जब इसमें प्रेशर नहीं रहेगा तो कितना एम्पियर लेगा, 6 एम्पियर लेगा, 6-7 एम्पियर लेगा। हाँ ठीक है, जब फुल लोड पे रहेगा तो 10 से आपका 12 लेगा। अभी आपका गैस नहीं है इसमें, इसलिए आपको ये हो रहा है ना, वो ट्रिप कर रहा था। ओके तो अभी हम लोग इसको प्रेशर डालते हैं, आप प्रेशर डाल के चेक करते हैं कि कहाँ पर इसका लीक कहाँ पर है, क्यों ऐसा हुआ। और लीक के लिए देखो फिर वही है, आपको ऑयल का ट्रेस, ऑयल के निशानात साफ नजर आ रहे हैं। तो पहले हम लोग इस एरिया में चेक करेंगे, इस एरिया में चेक करेंगे, फिर बाद में हम लोग दूसरे एरिया में, अगर यहाँ मिल गया तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो पहले इस एरिया में देखते हैं कि लीक है कहाँ पर। ओके ओके चलो, यूनिट का एक और कंप्लेन है, सेम यूनिट का एक और कंप्लेन है, इसलिए हम लोग जम्पर डाल के चालू कर रहे हैं। इसका जो डिस्प्ले है ना नहीं आ रहा है, तो जो एसी चल रहा है वो जंपिंग की वजह से, जो हम लोग जंप किए हैं RG को RY1 को, वहाँ से चल रहा है, तो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा। तो पहले जब भी डिस्प्ले नहीं आए, मैंने बहुत बार बताया है, तो फिर भी दोबारा यहाँ पे करता हूँ, RC में वोल्टेज चेक करना चाहिए, और RC में AC वोल्टेज 24 से होना चाहिए मिनिमम, 24 वोल्ट अगर है उसके बाद डिस्प्ले नहीं है, कन्फर्म थर्मोस्टेट चला गया है, आपको उसको रिप्लेस चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लीक था तो उसको बाद में रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, और भी कॉल है हमारे पास, तो बस इसीलिए इसको वीडियो का साथ में अटैच किया है। तो जो प्रॉब्लम है इसमें दो एक साथ है, तो थर्मोस्टेट भी इसका ख़राब है, 24 जो इनपुट वोल्टेज जो चाहिए वो अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, बस ये वीडियो यहीं तक है। तो इसमें दो प्रॉब्लम एक साथ है, एक थर्मोस्टेट और दूसरा वो सिस्टम ट्रिप ही कर रहा है। तो हम लोग जंपर डाल के चालू किए टेस्टिंग के लिए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब चेक किए तो वो प्रॉब्लम था, है ना, और 6 एम्पियर ले रहा है जबकि उसका रेटेड है 15.5 या 6 है वो एम्पियर है। ओके ना, तो अभी हम लोग ओके। एक बात और कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो नहीं बना सकते हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ, बड़ा वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी होता है, लेकिन बड़ा वीडियो जिसमें थोड़ा ज़्यादा मैसेज हो, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा मैसेज होता है।
तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हर टॉपिक से विंडो से लेके चिलर्स तक। लेकिन दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत मुश्किल है सब टॉपिक पे एक साथ वीडियो बनाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में जाएं, HBSE अमजद लिखें, मिला के लिखें, गैप नहीं करें, मिला के लिखें। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करें, आपको सबसे ऊपर में पहले ही मिलेगा, आपको पहले ही नज़र आ जाएगा। क्लिक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें और ये लोगो याद रखें, HBSE अमजद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।